खरगोन जिले के संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच पांचवें दिन सोमवार को अनूठा प्रदर्शन करते हुए कर्मियों ने गेती फावड़ा उठाकर कुंदा नदी की साफ सफाई करके लोगों को संदेश देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि पिछले 20 से 25 सालों में हमने शासन की जनहितकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और हमारी मांग नहीं मानने की दशा में अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच अगर किसी मरीज के साथ अनहोनी घटना घटित हुई तो शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। शासन प्रशासन दिन प्रतिदिन हमारे लिए निष्ठुर एवं निरंकुश होता जा रहा है। हम विगत 20 से 25 वर्षों से मध्य प्रदेश शासन के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विगत 20 से 25 वर्षों से दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, किंतु तथा इस संविदा के दंश को, संविदा के इस कलंक को झेल रहे हैं, किंतु शासन ने हमारी आज तक सुध नहीं ली है। संविदा शोषण के इस दंश की व्यवस्था को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी माना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के ये बयान है कि शोषण, संविदा शोषण की इस व्यवस्था को मिटाने के लिए वह स्वयं दृढ़ संकल्पित है। यदि वह स्वयं दृढ़ संकल्पित है तो हमारी आज तक क्यों सुध नहीं ली शासन प्रशासन ने? क्या मांग, क्या कारण है इसके पीछे? यदि हमारी एक ही मांग है नियमितीकरण की, यदि हमारी नियमितीकरण की इस मांग को नहीं माना जाता है तो हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और स्वास्थ्य को लेकर यदि मरीजों को, आम जनता को यदि कोई किसी प्रकार की असुविधा होती है तो संपूर्ण रूप से शासन प्रशासन इसका संपूर्ण रूप से जवाबदार रहेगा और शासन प्रशासन के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। श्रीमती ममता हिरवे, सरकार से विरोध जताया जा रहा है, क्या मामला? जी बिल्कुल, हम स्वच्छ अभियान के तहत खरगोन शहर को स्वच्छ करने हेतु माँ कुंदा नदी, जो खरगोन की जीवनदायिनी नदी है, उसकी आज सफाई कर रहे और हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सांकेतिक सरकार तक ये मांग पहुंचा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी मांगों को जल्दी सुने कर्मचारी प्रदर्शन में आपके साथ शामिल हैं। हम लोग जिले के 878 कर्मचारी जो संपूर्ण लोग हड़ताल पर हैं। कब तक चलेगी अनिश्चितकालीन हड़ताल? है जब तक शासन हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगा, हमारी मांगे पूरी नहीं करती, जब तक आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। क्या नाम? रूपेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।